में मैं आपके साथ अपना न्यू पीसी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि 1 लाख के बजट में आप कौन सा पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। आज से तकरीबन 6 मंथ या 1 साल पहले आप 1 लाख के बजट है इससे भी अच्छा पीसी बनवा सकते हैं, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो गई है तो इसकी वजह से इसमें मैंने कुछ ही पार्ट से यूज़ भी लगवाए हैं और ये मैंने 1 लाख के बजट में पीसी बिल्ड करवाया है। इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ, सारे इसके स्पेक्स भी बताऊँगा, दिखाऊँगा फिर इनकी प्राइसेस भी बताऊँगा और वीडियो के साथ मेंशन भी कर दूँगा। चलो मैं अभी खोल के तो आपको सब पार्ट्स इसके दिखाता हूँ। ये मैंने इसका कवर उतार दिया तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये आइको की 600 वाट की पावर सप्लाई है, ये मुझे तकरीबन पड़ी है 6500 रुपये की, 6500 की। ये न्यू है, इसकी 10 माह वारंटी है। उसके बाद ये मेरे पास एक 4 GB का GTX 970 4 GB ग्राफिक कार्ड है, ये मैंने यूज़ में लिया, ये मुझे पड़ा है 32000 रुपये का। साथ में इसको प्राइसेस आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद ये इंटेल i5 9th generation का प्रोसेसर है, ये मुझे पड़ा है 24000 रुपये का, 24000 का ये हो गया। और साथ ही जो मुझे इसका बोर्ड पड़ा है B365, ये मुझे पड़ गया है 12000 रुपये का। इसके साथ मैंने लगवाई है 16 GB रैम, ये भी मैंने यूज़ में ली है, मुझे 8500 रुपये की पड़ी है। उसके साथ ये इसमें M.2 सपोर्ट नहीं करती। ये SSD हार्ड है इसकी, ये मैंने न्यू ली है, इसकी भी इतना 1 साल वारंटी है, ये 5500 रुपये की है। उसके साथ 2 TB ये मेरे पास HDD हार्ड है, इसकी प्राइस 8500 रुपये है, इसके साथ 10 माह वारंटी भी है। इसके साथ ये 2000 रुपये की मैंने यूज़ में बॉडी भी ली है, अभी RGB नहीं ली, शादी वाली है, ये देख सकते हैं आप शादी वाली बॉडी है। साथ इसकी मैं प्राइसेस आपको वीडियो में साथ मेंशन भी कर दूंगा। ये देखें, ये RGB वाली पावर सप्लाई है, सबसे महंगा इसमें इस वक्त ये ग्राफिक कार्ड है यूज़ में 4 GB GTX 970 4 GB, ये 32000 रुपये का। अब इसकी मैं आपको बैग दिखाता हूँ, इसकी मैं सारे केबल वगैरह भी ले हैं पावर सप्लाई के लिए, USB वगैरह, माउस कीबोर्ड वगैरह सब के लिए इसमें ऑप्शन है, HDMI केबल सब ऑप्शन इसमें। अभी मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ और अगली वीडियो में आपको इसकी सेटिंग भी सारी दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूँगा सब कुछ, इसके चला कर स्पीड वगैरह भी सारे स्पेक्स आपको कंप्यूटर में भी दिखाऊँगा। तो इधर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।